हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की वीडियो कैसे बनाते हैं। ये वीडियो भी टिकटॉक पे बहुत जल्दी वायरल हो रही है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये वीडियो कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम गौरव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गौरव के साथ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको कुछ समझ में आए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं। एक ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के अंदर ये वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर। गाइस, हमने अपना केन मास्टर ऑन कर लिया है। केन मास्टर ऑन करने के बाद हमें प्लस के निशान पे जाना है और 9.16 कर देना है। 9.16 करने के बाद आपको मीडिया का साइन दिख रहा होगा, मीडिया पे जाना है। और मीडिया पे जाने के बाद आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है। आपको ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है, ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है जहाँ पे आप हवा में हो, उस इमेज को आपको कैप्चर कर लेना है जहाँ पे फुल बॉडी है। मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ, आप भी इसको कैप्चर कर लो। कैप्चर करने के बाद आपको पिक आर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पिक आर्ट आपका ओपन कर लेना है। पिक आर्ट ओपन कर लेना है, मैंने पिक आर्ट ओपन कर लिया। फिर पिक आर्ट ओपन करने के बाद नीचे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, प्लस के साइन पे जाना है। स्टार्ट एडिटिंग, जो हमने कैप्चर किया फोटो को उसको ले लेना है। हमने फोटो कैप्चर किया उसको ले लेना है। नीचे आपको साइन दिख रहा होगा कटआउट का, हमें कटआउट कर लेना है। और ये आउटलाइन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आउटलाइन कर लेना है। और इसका साइज थोड़ा छोटा करके और इसको थोड़ा जूम करके हमें अपनी बॉडी का पूरा अच्छी तरह से कर लेना है। ये करने के बाद आपकी फोटो कुछ ऐसे दिखेगी। फिर आपको सेव पे कर लेना है। सेव पे करने के बाद नीचे आपको थोड़ा आगे स्क्रॉल करने के बाद एक ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। इस पर ड्रॉ पे जाना है आपको। ड्रॉ पे जाने के बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको 3 डॉट पे जाके सेव इमेज कर लेना है। यहाँ से इमेज HD में होती है, मैं हमेशा यहीं से करता हूँ, आप भी यहीं से कर लेना। फिर हमें उसके बाद वापस केन मास्टर में जाना है और वीडियो का एंड पे करके हमें मीडिया पे जाना है और बैकग्राउंड ले लेना है। एक मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ हम बैकग्राउंड ले लेना है। फिर उसके बाद हमें जिस जगह से हम कूद रहे हैं यहाँ पे, इस जगह को हमें यहाँ से लेयर पे जाना है और लेयर पे जाके हमें ये वीडियो ले लेनी है। इसका मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको फुल डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे कर देना है, कोने में कर देना है। कोने में करने के बाद हमें यहाँ की का ऑप्शन दिख रहा होगा, की ऑप्शन में जाना है और वीडियो को एंड तक जाना है और प्लस के निशान पे जाना है और इसको ऐसे
इसको यहाँ पूरे स्क्रीन पर लाके ऐसे कर देना है। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये जो कैमरे से शूट की गई वीडियो है ये छोटी है थोड़ी, आपकी बड़ी होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो जब हमारी ऐसी हो जाएगी, ऐसे होने के बाद हमें जो ये बैकग्राउंड है इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसके बाद हमें जहाँ से आपने ये वीडियो लिया है वहाँ से हमें खंबा लगाना है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। PNG इमेज है वो, तो लेयर पे जाके आपको आपको लगा लेना है इसको फुल स्क्रीन करके। इसके आपको इसे लगा लेना है। फिर आपको जो स्काई वाला वीडियो है उस पे जाना है और की वाले ऑप्शन पे जाके ये जो इसको टैप करना है जो प्लस के साइड में है, इससे हम अगले पॉइंट पे आ जाएंगे इसके। और वही हमें नीचे वाले पे वापस जाना है और फिर की वाले पे जाके प्लस का निशान करना है और इसको स्क्रोल धीरे धीरे स्क्रोल करके इधर करके इधर ले आना है इस कोने में, इसको थोड़ा सा आगे करना है। थोड़ा सा ये करने के बाद हमें इसे प्लस पे निशान पे जाना है और इसको पूरा गायब कर देना है। फिर ये देखो आप वीडियो कैसे बन जाएगी। थोड़ा इसमें आगे पीछे ही गड़बड़ी हो रही है। इसको कर लेंगे हम इसे ठीक की वाले की से। इसको करने के बाद हमें जो हमने वीडियो कैप्चर कॉपी इमेज कैप्चर की थी जहाँ हमारा सीन आधे जा रहा है वहाँ पे, हाँ इस जगह पे, इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे हमें जाना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो हमने कैप्चर किया था वो ले लेना है। इसको इसके साइज का कर देना है और इसको साइड जो डॉट है थी डॉट थ्री डॉट पे जाके इसको बैकवर्ड कर देना है। बैकवर्ड करने के बाद इसको टिक करना है। फिर एक बार वीडियो चला के देख लेते हैं। वीडियो देखो हमें इसको थोड़ा और पीछे लेना है तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। यहीं पे ले लेते हैं हम लेयर को मीडिया पे जाके, फिर वापस हमें जो हमने किया था ले लेते हैं, तो पीछे भेज देते हैं बैकवर्ड करके। हम फिर थोड़ा आगे जाके यहाँ जाके की पे जाना है, प्लस के निशान पे जाना है और इसको थोड़ा छोटा कर देना है, करके छोटा कर देना है। तो आप देख लेते हैं वीडियो, वीडियो आपका इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसको आप शेयर के बटन पे जाके एक्सपोर्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें।
थैंक यू गाइस।